आपकी इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है? आखिर क्यों कर रही हैं आप ये अमरन अनशन? उस इंसान को सजा दिलवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं तीरथ राज सिंह को सजा दिलवाए बिना ये अनशन खत्म नहीं करूंगी। चाहे आज मैं भले ही अकेली पड़ गई हूँ, पर सर जी के खिलाफ मेरी ये लड़ाई अकेले भी जारी ही रहेगी। ये क्या भाभी, थोड़ा खा लीजिए, वैसे भी आपकी तबीयत सही नहीं रहती, थोड़ा खा लीजिए ना। रौनक, चल बैठ, आ जा बैठ। रौनक, कल से कुछ नहीं खाया तूने, थोड़ा सा कुछ खा ले। मैंने भी नहीं खाया है कुछ भी। चल मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, तू भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना बेटा। ले खा लेना बेटा, ले। चलिए मेरे साथ। बैठिए। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए, रौनक खा लेगा भाभी, आपको आपके बेटे की कसम। आपको खाना भी खाना होगा और मुझे सब सच भी बताना होगा। रौनक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है भाभी? उसे सच पता चल गया ना कि आपने उसको जन्म नहीं दिया। मानती हूं भाभी कि ये बहुत बड़ा सच है, उसे समय लगेगा मानने में, पर उसे समझना होगा कि जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होती है पालने वाली माँ। दीदी, एक बात करनी थी। बोलो। इतनी बड़ी बात, रौनक कोठे की पैदाइश है। दीदी प्लीज मुझसे वादा कीजिए, वादा कीजिए कि सच्चाई को जानने के बाद अपने मन में रौनक के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं लाएंगे। रौनक मेरा ही बेटा है, इस घर का बेटा, कुछ नहीं बदला है, वो अभी भी आपका भतीजा ही है, सब वैसा ही है। प्लीज मुझसे वादा कीजिए, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे रौनक को गंदी नजर से देखे। वादा कीजिए दीदी, रौनक को वैसी देखेंगी जैसे आप पहले उसे देखती थी, आपके मन में रौनक के लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। वादा कीजिए आप मेरे रौनक के लिए अपने मन में किसी भी तरह की घृणा नहीं लाएंगे। वादा कीजिए वादा।
पापा जी जल्दी से चलिए नीचे और देखिए मुस्कान क्या कर रही है आपके खिलाफ। अरे चलिए जल्दी, चलिए पापा जी, चलिए जल्दी चलिए। अरे माँ, मामी जी, मामी जी जल्दी बाहर चलिए, वहां मुस्कान ने नया बवाल खड़ा कर दिया मामा जी के खिलाफ। आपकी इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है? आखिर क्यों कर रही हैं आप ये अमर अनशन? इस इंसान को सजा दिलवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन ऐसा करने से आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपको डर नहीं लगता? जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो उसे किस बात का डर? मेरे अपने एक रौनक जी ही थे जिनको इन्होंने मुझसे बहुत दूर कर दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं तीरथ राज सिंह को सजा दिलवाए बिना ये अनशन खत्म नहीं करूंगी। तुम होती कौन हो मेरे डैडू को सजा दिलवाने वाली? चैन नहीं है तुझे? और ये क्या फालतू में अनशन में बैठ गई हो और ये नौटंकी कर रही हो? पूरी की पूरी फैमिली को बदनाम करने के पीछे लगी हुई हो। मुस्कान, रौनक भाई ने तुम्हारा साथ क्या छोड़ दिया? तुम अब ये सब करने पे उतर आई हो? प्लीज बंद कर दो अपना ये नाटक। माँ, माँ आप रोकिए इसे, देखिए किस तरह ड्रामा कर रही है और पब्लिसिटी लूट रही है। हमारी फैमिली को बदनाम ना करे, डैडू को बदनाम ना करे, आप बोलिए ना इसे कुछ। आपसे तो कुछ होगा ही नहीं, आप इस लड़की को तो कभी कुछ नहीं बोलेंगी। रौनक कहाँ है? ये रौनक अंदर क्या कर रहा है? चलो लली दी, हम भैया को लेकर आते हैं, वही इस मुस्कान से बात करेगा। चलो लवली, लवली रुको। क्यों रोका आपने हमें? अभी कोई सवाल नहीं डॉली, ये कोई समय नहीं है सवाल करने का। ये बड़ा सच है जिससे हमारा परिवार जूझ रहा है और सबसे ज्यादा तकलीफ में भाभी और रौनक है। डैडू, डैडू आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं रौनक भैया से बात करूंगी। हम लोग करते ना, वैसे भी है तो वो हमारा ही भाई, हम लेके आते हैं। हाँ डैडू, चल डॉली। Mm-hmm.
हमारे भाई हो, तुम मेरे छोटे नॉटी रौनक हो, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है रौनक। सर जी आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ आपका उठना बैठना है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे आप ही के घर में आप ही के खिलाफ चल रहा है इस आमरण अनशन के बारे में। क्यों कर रही है बेटा ये सब, थोड़ा सा जूस पी लो, लो पी लो और खत्म करो ये सब अनशन। लो माँ, इस इंसान की वजह से मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, मेरे रौनक जी मुझसे बहुत दूर हो गए, मैं उसे सजा दिलवाए बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। रौनक भैया देखिए प्लीज छोड़ दीजिए, दरवाजा खोल के बाहर आइए ना भाई, आप तो हमारे अपने ही हो ना, और फिर क्यों आप हमसे ऐसे दूर होकर हम सबको पनिश कर रहे हो भाई, क्यों ऐसे परायों जैसा बिहेव कर रहे हो। रौनक आज डैडू को सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है, अकेले पड़ गए हैं और वो तुझे इस तरह तकलीफ में नहीं देख पा रहे हैं। रौनक रौनक प्लीज भाई दरवाजा खोल दे। रौनक भैया आप सुन रहे हो, रौनक भैया देखो ये जो मुस्कान है ना ये पापा की मुसीबतें और बढ़ाए जा रही है भाई, अब वो नीचे नया नाटक शुरू कर दिया उसने भाई, वो घर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गई है। आप भाई और वो मीडिया तक को ले आइए, कम से कम उससे बात करने के लिए तो बाहर आ जाओ। रौनक भैया प्लीज छोड़िए ना। रौनक देखो अगर उस मुस्कान को कुछ हो गया ना तो डैडू को और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। रौनक डैडू हमारे कारण पहले बहुत कुछ झेल चुके हैं। रौनक प्लीज मेरे भाई हमारे लिए डैडू के लिए माँ के लिए बाहर आ जाओ। रौनक मुस्कान मुस्कान तुम ठीक तो हो ना? कितनी बार तुमसे कहा है पर तुम बाज नहीं आओगे। नहीं, तब तक बाज नहीं आऊंगी जब तक आप मेरे पास वापस नहीं आ जाते। अगर मेरा साथ छोड़ना आपकी जिद है तो खाना पीना छोड़कर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना मेरी जिद है। मुझे पता है रौनक जी इस इंसान ने आप पर कोई दबाव डाला है ना, मुझे कुछ भी करके आपको उसमें से निकालना है। कोशिश की थी आपसे बात करने की और आपने तो कसम खाई है ना कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है फिर समझ लीजिए मैंने भी कसम खाई है, जब तक मैं आपको इस इंसान के जंगल से बाहर नहीं निकालती और इन्हें अपने किए की सजा नहीं दिलवाती मैं ये अनशन नहीं तोड़ूंगी। हम विनम्रतापूर्वक फिर से कह रहे हैं कि फालतू का नाटक ये तमाशा बंद करो मुस्कान। रौनक जी आपको हो क्या गया है? रौनक जी आप फालतू में उस इंसान का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? अगर मेरी चले ना
तो अभी के अभी इस इंसान को मार दूं। भी कहा है, फिर से कह रहे हैं, जितनी बार इनके सामने आओगी हमें ही सामने खड़ा पाओगी। ठीक है फिर, अड़े रहिए आप, मैं भी अड़ी रहूंगी। मैं ये अनशन नहीं तोड़ूंगी, मर जाऊंगी पर इसे खत्म नहीं करूंगी। तमाशा खत्म हो गया, चलो चलो यहां से निकलो। निकलो, जला दीजिए सब कुछ, जला दीजिए सारे पुतले, जला दीजिए, पर मैं ये अनशन नहीं तोड़ूंगी। तुम्हारा अनशन खत्म, तुम ऐसे हर रोज यूं ही अनशन करना और हम ऐसे ही हर रोज तुम्हारे अनशन को खत्म करेंगे। कहा था ना आपको कि खा लीजिएगा, देखिए क्या हालत हो गई है आपकी।